सो लेट्स गाइस, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप थ्री जो है लॉन्चर एंड्रॉइड 12 के। तो आज हम आपको एंड्रॉइड 12 के तो टॉप थ्री लॉन्चर्स के बारे में बताएंगे जिसे आप अपने फोन के अंदर लगा के एक अपने फोन को एक अलग एंड्रॉइड 12 के ओएस एंड गाइस थीम्स वगैरह जो यूज करते हैं वैसा डिजाइन एंड लुक दे सकते हैं। तो चलो फटाफट हम डेमो कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन है तीनों जिसका आप यूज करेंगे एंड्रॉइड 12 के लिए। गाइस हमारे पास पहला एप्लीकेशन है लॉन्चर फॉर एंड्रॉइड 12। आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि तीनों का डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलो फटाफट हम इसको ओपन करते हैं। ओपन पर जस्ट क्लिक करिए, आपके पास इसका इजी टू यूज इंटरफेस आ जाएगा जिसमें अगर वॉलपेपर चाहिए तो वॉलपेपर यूज करिए, अदरवाइज आप एंड्रॉइड 12 के थीम्स एक्चुअली यूज कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे। हमें यहां पर एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसके लिए आप यू लॉन्चर 3D इस वाले पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर आपको दो दिख रहे हैं सी लॉन्चर के बारे में ऑलरेडी पता होगा आपको, लेकिन ये 3D वाला है, इसको ओपन करिए। इसे हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आप इसको जस्ट ओपन करेंगे यहां से और इसका जो डिजाइन है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर अप्लाइड हो जाएगा और अभी देख सकते हो चुका है। अब हम इसके कुछ खासियत आपको दिखाते हैं। देखो इसके अंदर आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑल ओवर सारे के सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। इवन गाइज नीचे आपको मिल जाएंगे ये ऑर्डर्स वगैरह वाले ऑप्शन हैं जिसको आप जिस फॉर्म में देख सकते हैं, और यहाँ पर न्यूज फर्स्ट है, ऑर्डर फर्स्ट है, और यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वर्चुअल मोड वगैरह का ऑप्शन है। वर्चुअल मोड में आप कर देंगे तो ऐसे दिखेगा, और आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोड में रहेंगे तो आपको इस तरह से ये लॉन्चर देखने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं इसी लॉन्चर के अंदर सेटिंग्स को ओपन करता हूँ, हालांकि एड्स वगैरह कुछ आएंगी तो एड्स को आपको यहाँ पर कट कर लेना, हालांकि आप चाहें तो प्रीमियम वगैरह भी ले सकते हैं इसका। अब इसके अंदर हम सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो अभी हम इसको डिफॉल्ट करना भी आपको सिखाएंगे, क्योंकि डिफॉल्ट अगर आप इसको नहीं करेंगे तो जब भी इसको कट बटन प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा, तो डिफॉल्ट आप इसको कर लेना। डिफॉल्ट करने का तरीका ये है कि आप इस बटन को प्रेस करेंगे डिफॉल्ट हो जाएगा, या फिर सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। इसको ओपन करिए, अगेन इसको ओपन करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे, हमारे पास जो सेटिंग्स होगी यहाँ पर सेटिंग्स, इस पर आप क्लिक करिए तो ये जो कंट्रोल सेंटर हमें देखने को मिलती है ये काफी ज्यादा अलग कंट्रोल सेंटर है, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं लाइट्स वगैरह के लिए। लॉन्चर सेटिंग्स है, सिस्टम सेटिंग्स आपको मिल जाती है, लॉन्चर सेटिंग्स पे आप लॉन्चर की सेटिंग्स कर सकते हो, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर सेट एज डिफॉल्ट लॉन्चर पे क्लिक करके आप इसे डिफॉल्ट में कर लीजिए। अभी यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट है, इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे तो ये जो है आपका कट बटन प्रेस करने से एंड नहीं होगा। तो ये है पहला लॉन्चर, आई होप कि आपको पहला लॉन्चर पसंद आया हो। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड लॉन्चर की तरफ जो हमें देने वाला है iPhone का एक्सपीरियंस। ये है हमारा सेकेंड लॉन्चर iOS 16, यहाँ पर iOS 16 का ये है हमारा इंटरफेस। अब इसको हम ओपन करते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं इसके अंदर कौन सा डिजाइन आपको मिलने वाला है। इसको ओपन करिए, ओपन करने के बाद इसका इजी टू यूज इंटरफेस होता है, कोई भी किसी भी पर्सन में आप अगर चाहें तो इसको इजीली डाउनलोड करके वो इस्तेमाल कर सकता है। सिंपली इसे लॉन्चर को एक्सेस करेंगे, अलाउ पे क्लिक कर देंगे, सारी परमिशन हमने फटाफट अलाउ कर दी है। अब इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे, उसके लिए यहाँ पर कंट्रोल सेंटर है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका एक न्यू कंट्रोल सेंटर भी बना सकते हैं, तो आप इसको क्लिक करिए। एड्स अगर आएंगे एड्स को आपको यहाँ से कट कर लेना है, क्लोज इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन इसका डाउनलोड करने के लिए बोला, हालांकि मुझे एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करनी है, इसको मैं हटा देता हूँ। हम इसके अंदर सेटिंग्स करेंगे लेआउट्स का, इसको आप क्लिक करिए, लेआउट्स में जाएंगे, यहाँ पर भी एड्स आ रही हैं, एड्स को आप यहाँ से भी क्लोज करिए, क्लोज कर दिया हमने। अब लेआउट्स में आप जो अपने आइकन्स जो होते हैं उसे आप बड़े करिए, बड़े मीन्स कि आप लेआउट्स को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो मैं इसको फुल कर देता हूँ। और iOS का जो लॉन्चर होता है आपको पता है इसके आइकन जो होते हैं काफी बड़े होते हैं देखने में, आप यहाँ पर 5x4 का कर सकते हो, यहाँ पर 6x4 का भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ करने वाले हैं iPhone 8 स्टाइल, तो हम इसको यहाँ से ऑन पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे फोन के अंदर iPhone 8 स्टाइल रन हो चुका है, अब यहाँ से हम कट करेंगे तो यहाँ मूव टू होम लॉन्चर पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर ओपन करते ही पूछ रहा है कि आप इसको डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं, जी हाँ आप इसको डिफॉल्ट करके ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करेंगे ये लॉन्चर जो है आपके फोन के अंदर डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर iOS लॉन्चर को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर गोट इट कर देंगे तो ये जो लॉन्चर है हमें देखने को ऐसा मिलता है। और लुक वाइज देखो गाइज काफी अमेजिंग लग रहा है ये जो लॉन्चर है। इसके अंदर ये खास बात है यहाँ पर ऐप लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है, इसमें काफी अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग एप्लीकेशन एक साथ होते हैं तो आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं जो यूज करना है यूट्यूब पे क्लिक कर दीजिए, ये यूट्यूब चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड वाले लॉन्चर की तरफ, थर्ड लॉन्चर कौन सा है तो चलो हम उसको दिखाते हैं आपको। गाइस ये है थर्ड वाला लॉन्चर जो देख सकते हो, इससे हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है और अप्लाई भी कर रखा है इसके अंदर, तो आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हो इसका जो लॉन्चर का डिजाइन मिलने वाला हमें, इसको हम फटाफट ओपन कर लेते हैं।
पे क्लिक करेंगे और हमें इसका जो लॉन्चर मिलने वाला है कुछ इस तरीके से ऐप ड्रॉवर की जैसा लॉन्चर मिल रहा है। इसका भी यूआई काफी अच्छा है। वर्क वाले में आप जाएंगे इस तरह से ऑप्शन मिलेगा एंड आप यहाँ पर पर्सनल में जाएंगे, पर्सनल में आपको इस तरीके देखने को मिल जाएगा लॉन्चर। हालांकि लॉन्चर आपको ये कंट्रोल सेंटर होते हैं वो अलग नहीं, काफी कुछ ऐसे है, सिंपल है लॉन्चर। हालांकि आप चाहें तो इसका यूज भी कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये तीनों लॉन्चर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। एंड हम मिलते हैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।